नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। दौसा के सिकंदरा से एक बड़ी खबर है, जहां सेल्समैन से दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर 50,000 की लूट हुई। जहां नेशनल हाईवे पर टोल के पास सफेद कलर की हरियाणा नंबर ब्रेजा गाड़ी में सवार बदमाशों ने सेल्समैन का बैग छीना, बैग नहीं देने पर मारपीट करते हुए बंदूक दिखाकर बैग लूट कर फरार हुए। आपको बता दें, भावना एजेंसी बांदी कुई के सेल्समैन गोलू शर्मा, जो कि आभा नेरी का रहने वाला है, वो हमेशा की तरह दुकान पर विजिट कर कलेक्शन लेने जा रहा था, तभी बीच रास्ते में बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। पास में पत्थर स्टोन पर काम कर रहे लोग बचाने पहुंचे तो उन्हें डरा कर भगा दिया। दिन दहाड़े हाईवे पर वारदात होना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। वहीं थाना प्रभारी राजपाल सिंह यादव का कहना है कि सेल्समैन के दिए गए बयानों के आधार पर मामले की जाँच की जा रही है। टोल पे जा रहा था, मेरा बैग छीन के ले गए, चार जने आए ब्रेजा गाड़ी से, वो मेरा बैग छीन के ले गए, मेरे ऊपर पटके, मेरे बंदूक दता के मेरा बैग छीन के ले गए। बैग में पैसे थे? बैग में मेरे पैसे थे, 50,000 करीब थे। अच्छा, मेरा बैग वगैरह, डायरी वगैरह सब उसमें ही था, रसीद बुक वगैरह पूरा उसमें ही था, पूरा ले गए मेरा बैग। तो आप क्या काम करते हैं? मैं मार्केट का काम करता हूँ। कौन सी कंपनी का? कॉल ब्लैक का। क्या मामला है सर ये पूरा? आज 12:30-1 बजे के लगभग की बात है, और यहाँ एक गोलू शर्मा नाम का लड़का जो कलेक्शन का काम करता है, बीडी सिगरेट वालों की दुकानों से ही जाता है, तो रूटीन में कार्य करता है, और आज ये जा रहा था इधर टोल की तरफ कलेक्शन करने। तो इसका कहना ये है कि मैं इधर जा रहा था तो एक पीछे से मेरी गाड़ी आई, उन्होंने मेरी बाइक को रुकवा कर मेरा बैग छीन लिया, जिसके अंदर 50,000 रुपये नकद मेरे कलेक्शन के रखे हुए थे। सर, जो गोलू शर्मा है ये बता रहा है कि बंदूक की नोक पे ये लूट हुई है। अब ये ठीक से नहीं बता रहा है कि उनके पास बंदूक थी क्या, थे कि मेरे हाथ से छीन लिया और मैं उनके गाड़ी के नंबर भी नहीं देख पाया। तो अभी है तो ये इसमें पूछताछ कर रहे हैं कि भाई वास्तव में क्या है, तो ये कितना एक्सप्लेन कर पाएगा, तो ये थोड़ा सा डिटेल में एक बार इसे इन्वेस्टिगेशन करके बताएंगे। ठीक।